Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. हे गाइस, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे वीवो वाई 73 फोन के अंदर अगर आप डुअल ऐप बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड, इस फोन में आपको कोई भी एप्लीकेशन क्लोन करना है तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपकी जो फोन की सेटिंग है उसको ओपन कराना होता है। तो आप अपनी फोन की सेटिंग को ओपन कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है एप्स एंड नोटिफिकेशन। तो सिंपल आपको एप्स एंड नोटिफिकेशन में आ जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप क्लोन का, ऐप क्लोन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे जिनको आप क्लोन कर सकते हैं वो आपको यहां पे सभी शो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस फोन में यहां पे जो भी आपको एप्लीकेशन शो होते हैं उनको ही आप यहां पे क्लोन कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई और भी एप्लीकेशन यहां पे क्लोन करना चाहते हैं तो सभी एप्लीकेशन लगभग यहां पे आपको क्लोन करने को नहीं मिलेंगे। कुछ ही एप्लीकेशन है जिनको आप क्लोन कर सकते हैं। तो फोन में दो ही एप्लीकेशन हमारे इस समय इंस्टॉल्ड हैं जो कि हम इनको क्लोन कर सकते हैं। पहला है स्नैपचैट, दूसरा फेसबुक। तो इनको हम क्लोन कैसे करेंगे, सिंपल यहां से इस तरीके से इसको इनेबल कराएंगे तो हमारा क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए प्रोसेस होता है, फिर आप इसका ये क्लोन होकर आपके डेस्कटॉप पे पहुंच जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा एक स्नैपचैट ये है, दूसरा हमारा ऊपर की तरफ पहले वाला जो है था पहले वो ही है। इस तरीके से आप इस फोन के अंदर एप्लीकेशन को क्लोन करा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।